दोस्तों, हर इंसान बिल्कुल अलग होता है, उसी तरह हर इंसान का काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसी जनरल बातें होती हैं जो सभी को जाननी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि आप वीकली अपने किचन की सफाई कैसे कर सकते हैं ताकि आपके किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, मैंने दोपहर के 11:30 बजे से शुरू किया है और ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने लंच भी बना दिया है। और लंच में देखिए, मैंने चावल और छोला बनाया है। पतिदेव के लिए मैं लंच निकाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनको कहीं जाना है बाहर, तो वो खाना खा करके जाएंगे और इसके बाद फिर मैं अच्छे से अपने किचन की सफाई करूँगी। पहले लंच वगैरह बना लो ना तो फिर सही रहता है, फिर खाना बनाने वाला काम नहीं रहता है अगर आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको घर के जिस भी स्पेस की क्लीनिंग करनी है, चाहे वो किचन हो या बेडरूम, आपका लिविंग रूम हो, सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि उस जगह पर क्या क्या सामान रखा है, किस सामान को कितना टाइम देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक टू डू लिस्ट बनाने से आप हर एक सामान की क्लीनिंग परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हम एक एक सामान याद करके लिखते हैं अपनी टू डू लिस्ट में। वरना क्या होता है कि जब हम बिना लिस्ट के काम करते हैं तो कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनाना है कि उस पर्टिकुलर जगह पर क्या क्या सामान रखा है, फिर आप अपने किचन की सफाई करिए। दोस्तों, हम अपने खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए और चीज़ों को स्टोर करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। आप अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक रूटीन ज़रूर सेट करिए। देखिए, मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ वीकली। जब भी मेरे घर बहुत सारी सब्जी आती है ना, तो उस दौरान मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ। इसके दो फायदे हैं, मेरी सब्जी भी अच्छे से स्टोर हो जाती है और मेरी फ्रिज भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप वीक में एक दिन फ्रिज क्लीनिंग का जरूर रखिए। जब भी आपकी सब्जी आने वाली है या आने से पहले आप अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। उसी तरह से जिस बास्केट में हम आलू, प्याज, लहसुन रखते हैं, उसको भी मैं वीक में एक बार क्लीन जरूर करती हूँ, क्योंकि ये बास्केट ना एक ऐसी चीज़ है जो कि गंदी हो ही जाती है। कुछ नहीं तो इसमें प्याज और लहसुन के छिलके ही पड़े हुए मिलते हैं, इसीलिए इसको वीक में एक बार साफ करना जरूरी है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके ऊपर एकदम से बर्डन भी नहीं आता है और चीज़ें भी एकदम साफ सुथरी बनी रहती हैं। तो मेरा आलू जो है ख़त्म होने वाला है, थोड़ा ही बचा है, हो सकता है 2-4 दिन और चल जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक कि मैं उसको और मंगाऊँ, आलू, प्याज, लहसुन, तब तक मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर जब हम सब्जी को ले आएंगे फिर क्लीन करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अगर पहले से ही क्लीन करके रखो ना तो फिर क्या होता है कि सब्जी लाए और तुरंत फिर हमने भर दिया। तो मेरा प्याज भी कम हो गया है, लहसुन भी ही थोड़े से बचे हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं ये सब सामान ना 15-20 दिन का या 1 महीने का तो मंगा ही लेती हूँ, कुछ नहीं तो 15-20 दिन का तो ज़रूर मंगा लेती हूँ कि मुझे बार बार ना मंगाना पड़े। तो देखिए, मेरी ये बास्केट बिल्कुल साफ़ हो गई है। और उसके बाद बॉटल, जग जिसमें हम पीने के पानी को स्टोर करते हैं, इसको भी वीक में मैं एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। अपने किचन में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। पानी को स्टोर करने के लिए हम इन बॉटल्स का यूज़ करते हैं, जग का यूज़ करते हैं। मैं एक जग किचन के लिए रखती हूँ खाना बनाने के लिए, और एक जग में हम लोग पीने का पानी रखते हैं, तो इनका भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, इन्हें रेगुलर यूज़ तो करते हैं बट क्लीन करना भूल जाते हैं, इसीलिए वीक में एक दिन ज़रूर सेट करिए इन बॉटल्स और जग को क्लीन करने के लिए, जिसमें आप पीने के पानी को स्टोर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें ना पानी के ही दाग जो है नीचे बैठ जाते हैं, और फिर आप जब साफ़ करेंगे तो फिर वो जल्दी छूटते नहीं हैं, और फिर बॉटल्स भी गंदी हो जाती है देखने में। कभी कभी हम खाने वाले हाथ से छू देते हैं या फिर कभी तेल मसाला लग जाता है, इसीलिए इनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप आरओ प्यूरीफायर को भी वीक में एक बार क्लीन ज़रूर करिए।
इसके लिए आप अपना एक क्लीनिंग रूटीन जरूर सेट करिए कि आपको कब कौन सी चीज़ साफ़ करनी है। अगर आप संडे के दिन इन सब चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं तो आप सैटरडे की नाइट को अपना टू डू लिस्ट बना लीजिए। पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो काम जो है इजी हो जाएगा और आप परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह से जिस बास्केट में हम बर्तन को रखते हैं उसको भी मैं वीक में एक बार जरूर साफ करती हूँ, इसका भी साफ होना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आई नो आप इन टिप्स को अच्छे से जानते होंगे, पर कभी कभी क्या होता है हम जानते हुए भी इन टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इन टिप्स को जरूर से याद रखिए और फॉलो करने की कोशिश करिए। और इस बास्केट का भी साफ होना उतना ही जरूरी है क्योंकि इसमें भी पानी के दाग जो है लग जाते हैं और फिर बास्केट ना वाइट वाइट से उस पर पानी के दाग लगे होते हैं, इसीलिए इसको भी अगर आप वीकली क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल चमकती रहेगी और साफ सुथरी बनी रहेगी। तो मैंने बास्केट को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये उसके नीचे की ट्रे है, इसको भी मैं अच्छे से लिक्विड विम की हेल्प से साफ कर दे रही हूँ। तो वीक में मैं जिस दिन भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस दिन सारा सामान हटा करके अच्छे से मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। डेली तो झाड़ू पोछा लगता ही है लेकिन मैं ये सारा सामान हटाती नहीं हूँ। और ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं बड़ा सा, ये मेरा डिनर सेट है, इसको भी मैं किचन में रखती हूँ। डेली तो हटा करके पॉसिबल नहीं है झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन वीक में मैं एक बार अच्छे से सब हटा करके झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। जो कोने कोने में जाले लग जाते हैं, मकड़े के जाले लग जाते हैं, वो सब हटा देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। और ये देखिए मैं फिनाइल भी ले आई हूँ, इसको डाल करके मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी जिससे कि जो भी दाग वगैरह लगे हैं ना वो सब अच्छे से हट जाएं। तो मैं एक एक सामान को हटाती जा रही हूँ, झाड़ू पोछा करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर सारा सामान मैं निकाल करके बीच में रख दूंगी तो फिर झाड़ू पोछा करने में मुझे दिक्कत होगी, या फिर मैं अगर किचन से बाहर रखूंगी तो भी मुझे बार बार हटाना पड़ेगा, बाहर ले जा करके रखना पड़ेगा, फिर बाहर से अंदर लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहीं पर रख दिया है और मैं साफ भी करती जाऊंगी और सामान को सेट भी करती जाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा दोनों कर दिया है, फिनाइल से पोछा भी लगा दिया है और फैन मैंने चला दिया जिससे कि ये सूख जाए, और सामान को भी फिर मैंने ऑर्गेनाइज करके अच्छे से सेट करके लगा दिया है। तो फिर मैं यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ इस एयर टाइट कंटेनर को हटा करके। और इस सिलेंडर को फिर मैं हटा करके अच्छे से झाड़ू पोछा यहाँ पर भी कर दूंगी। फ्रिज को भी मैं हटा करके अच्छे से वहाँ की जगह को भी आज अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि फ्रिज के पीछे और नीचे भी गंदगी जमा हो जाती है क्योंकि डेली तो हम वहाँ पर झाड़ू पोछा करते नहीं हैं। दोस्तों, घर की राय का हो या अपना, घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। घर को साफ रखने से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आपका घर में मन लगा रहता है। दोस्तों, हम सभी लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम जो है घर में ही बीतता है, स्पेशली किचन में। अगर किचन साफ सुथरा रहेगा तो हमें एक पीसफुल माइंड मिलेगा, साथ ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी मिलेगा कोई भी चीज़ करने के लिए। तो अपने मन को शांत रखने के लिए और दिमाग को भी शांत रखने के लिए आपको एक क्लीनिंग हैबिट अपने रूटीन में ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिज को भी हटा करके मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि फ्रिज के नीचे पीछे ना काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, फर्श भी गंदी हो जाती है क्योंकि हम डेली वहाँ झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने किचन को साफ करेंगे ना तो यकीन मानिए आपका किचन जो है ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, चीज़ें साफ सुथरी बनी रहेंगी, एक माइंड में अलग सा प्रेशर भी नहीं रहेगा कि हाँ मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा है। भले ही हम किचन को डेली इस तरह से साफ ना करें लेकिन माइंड में हमें ये सारी चीज़ें दिखती तो हैं ही और समझ में भी आती हैं कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गंदी है, लेकिन क्या होता है कि हम इतना बिजी रहते हैं ना कि हम साफ़ नहीं कर पाते हैं या फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता है,
क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ दिन भर, लेकिन मैं अपने कामों को ना प्लानिंग से करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट से करती हूँ। एक रात पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या क्या काम करना है, टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। इससे ना काम जो है अच्छे से हो जाते हैं, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और सारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी बनी रहती हैं, और एक माइंड में प्रेशर भी नहीं रहता है कि मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखिए कि आप सारा काम एक दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर और किचन और काम एक ऐसी चीज़ है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप सफाई करने बैठिए तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए आप अपने काम को डिवाइड करके करिए, जो काम आपको प्रायोरिटी में लगता है, जिसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसको आप पहले रखिए, उसको पहले करिए। इसी तरह से मैं इस विंडो की भी वीक में एक बार क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, और इस विंडो पर मैं अपने क्लीनिंग वाला सामान रखती हूँ, जैसे कि लाइजोल, हारपिक, हैंड वॉश, किचन क्लीनर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से डस्ट जमा हो जाती है, और ये जो रैक देख रहे हैं ना, जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पर जमा हो जाती है। अगर ज़्यादा दिन तक इसको साफ़ ना करो तो डस्ट की एक लेयर चिपक जाती है, तो इसीलिए इसको भी वीक में मैं एक बार ज़रूर से साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह से मैं अपने किचन को साफ़ करती हूँ, आप लोग कैसे अपने किचन में काम करते हैं, कैसे साफ़ सफाई करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।